चलिए नेक्स्ट है, सात नंबर क्वेश्चन। टाइम ओवर। एक वस्तु को 2.5% लाभ पर बेचा गया तो 100 है, तो 100 का 2.5% कितना होगा जी? 102.5 नहीं होगा जी? कोई दिक्कत है का? कैलकुलेशन करके दिखावे? नहीं ना, नहीं। यदि उसे 110 रुपये कम में बेचा जाता तो देखो कम अधिक हम जो भी बोले हैं, मैंने कहा कम अधिक बोले तो डिफरेंसेस, तो कितने का कम है जी? 110। कितने का जी? 110। तो आप देखोगे कि अब बोला जा रहा है तो 7.5% की हानि होती है ना जी, तो 100 में 7.5% की हानि होती, तो 100 में 7.5 घटा दोगे तो क्या 92.5 आएगा कि नहीं? तो ये दोनों के बीच कितने का अंतर, कितना कम? तो 10 का नहीं होगा जी? इधर 7.5, इधर 2.5 कम हुआ तो 10 का। तो डिफरेंस इज इक्वल टू 10 = 110, और क्वेश्चन करे मूल बोला है तो 100 इज इक्वल टू वाट, तो वाट इज इक्वल टू 100 × 110/10, तो 0 0 1 0, तो आंसर क्या हो गया? 1100। क्या होगा जी? 1100 आंसर। क्लियर? क्लियर? गुड।